हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करने जा रहे हैं क्लास एट्थ की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2, जो कि आपकी डेट 16 जुलाई की है। उपविषय क्या है? राज्य सरकार का गठन। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है, आपको पता ना, हर क्षेत्र में अलग अलग वोट डलती है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। तो हर जगह से एक आदमी खड़ा होता है, ठीक है, यानी कि प्रतिनिधि खड़ा होता है जो उस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ता है। चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों की ओर से खड़े होते हैं, इसलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। अलग अलग दल होते हैं ना, जैसे भाजपा हो गया, कांग्रेस, ये सब। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीतते हैं राज्य में, उस दल को बहुमत में माना जाता है, यानी कि वो जीत जाती है पार्टी। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष कहते हैं और जो भी हार जाते हैं वो विरोधी पक्ष कहलाते हैं। नीचे हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2017 में 68 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिए गए, यानी कि 68 जगह वोटिंग हुई, चुनाव हुए। उन्हें ध्यान से पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी कितने सदस्य जीते, चुने गए 44। भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 21, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1, निर्दलीय 2, निर्दलीय, ठीक है। कुल योग कितना हुआ, 68 वोटिंग हुई और ये 44 बीजेपी के और INC के 21। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कम से कम कितने चुने हुए सदस्य विधायकों की आवश्यकता होगी? तो बेटा फर्स्ट का आप आंसर लिखेंगे, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीतते हैं राज्य में, दल को बहुमत माना जाता है। तो ये आपके फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त में से कौन सा दल राज्य सरकार का गठन करेगा अथवा सरकार बनाएगा? तो भाई जो जीता है वही करेगा, तो आप लिखेंगे यहाँ भारतीय जनता पार्टी सेकंड में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, उपरोक्त दलों में से कौन से दल विरोधी दल कहलाएंगे? तो इसको छोड़ के जो तीनों बचे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और निर्दलीय, ये तीनों आप लिखेंगे थर्ड में आंसर में, ठीक है। ये तीनों नाम आप लिखेंगे, जो हार गए वो विरोधी दल कहलाते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, राज्य सरकार केवल अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले कार्यों को ही देखती है, जैसे राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पीने का पानी, बिजली। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी खुद की विधानसभा है। ऐसे कार्य जिनका असर पूरे देश पर पड़ता है, पूरे देश की सीमाओं की सुरक्षा, रेल व्यवस्था, संचार, बैंक इत्यादि, ऐसे काम कौन करता है? केंद्र सरकार, ठीक है। राज्य सरकार, जैसे दिल्ली की राज्य सरकार है तो वो सिर्फ दिल्ली में काम करेगी, और जो केंद्र सरकार है वो पूरी इंडिया में काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।